हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मेडिसिन पर। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत पुराने और कारगर लीवर टॉनिक के बारे में, जिसका नाम है लीवर स्टिम्युलेट एंड टॉनिक स्टिमुलिव सिरप। तो गाइस, स्टिम्युलिव सिरप एक आयुर्वेदिक प्रोप्रेटरी मेडिसिन है जो कि बहुत सालों हकीम जो है पेशेंट को देते आ रहे हैं, और बहुत ही कारगर मेडिसिन है, बहुत अच्छी रेमेडी है। तो गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके बेसिक यूज़ क्या रहते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, पेशेंट को कब कब मेडिसिन दी जाती है, और मेडिसिन कितना फ़ायदा करती है, आपको लेते समय क्या सावधानियां रखनी है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को गाइज स्किप मत कीजिए, वीडियो को लगातार वॉच कीजिए। तो दोस्तों, स्टिम्युलिव सिरप की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो पेशेंट के लीवर को स्टिम्युलेट करने का काम करता है, साथ ही उसके लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो कि लीवर को अलग अलग तरह के टॉक्सिन से बचाती है, मतलब कि जहरीले तत्वों से बचाती है। दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें खाते हैं और बहुत कुछ केमिकल वाली चीज़ें यानी कि खराब चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर जो है टॉक्सिन्स हो जाता है और लीवर में टॉक्सिन्स चले जाते हैं, साथ ही लीवर से रिलेटेड अलग अलग जो है बीमारी होने लगती है। तो दोस्तों, इस तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए स्टिम्युलिव सिरप काफ़ी अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा सिरप है। दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लीवर से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये एंटी हेपेटाइटिस वी प्रॉपर्टी रखता है जो कि हेपेटाइटिस वी की समस्या को ख़त्म करता है। दोस्तों, ये जॉइंटिस की समस्या को ख़त्म करता है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, तो लीवर के जो सेल्स डैमेज होते हैं उनको रिपेयर और हील करता है, साथ ही लीवर को मेंटेन करने का काम करता है। दोस्तों, ये लीवर को स्टिम्युलेट करता है और साथ के साथ लीवर को स्ट्रांग बनाता है यानी कि मजबूत करता है। और दोस्तों, लीवर में होने वाला जो भी इन्फ्लामेशन है, कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, उसको क्योर करता है। इसके अलावा ये लीवर के अंदर वाइल वॉल्यूम और फ्लो को मेंटेन करता है, साथ ही लीवर से रिलेटेड डिसीज़ जैसे कि जॉइंटिस है, हेपेटाइटिस बी है, या इससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है उसको ठीक करता है। और इसके अलावा लीवर के जो सेल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों, ये एक डायरियोटिक मेडिसिन की तरह भी काम करती है, साथ ही एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती है, तो इस तरह से लीवर में होने वाली जो भी स्वेलिंग है, सूजन है, उसको ठीक करती है। और दोस्तों, ये लीवर को जॉइंटिस और टॉक्सिन से बचाता है। इसके अलावा काफ़ी अच्छी और हाईली इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सेफ मेडिसिन होती है लीवर के लिए, और ये लीवर के फंक्शन को प्रॉपर करती है और उसको मेंटेन करने का काम करती है। तो गाइज, आपने जाना कि इस मेडिसिन के इतने सारे फायदे हैं जो पेशेंट को मिल जाते हैं। दोस्तों, अब हम इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो ये एक आयुर्वेदिक प्रॉपरेटरी मेडिसिन है जो कि कम्प्लीटली हर्ब से बनाई गई है, यानी इसके अंदर जो कंपोजिशन रहता है उसमें आप देख सकते हैं कि सभी जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे मिलाकर इसको कंपोज किया है। तो गाइज, इन सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का निचोड़ है इसके अंदर, जो कि इस टॉनिक को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाता है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं मरीज को। गाइज, यह मेडिसिन की एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं, 2024 तक एक्सपायरी है, और इसका जो MRP है वो 98 रुपीज़ है, तो 98 रुपये में आपको ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। गाइस, MRP समय और एरिया के हिसाब से बदल सकता है, तो जब भी आप खरीदते हैं इसको चेक कर लिया करें। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके डोजेस सेक्शन की, तो इन्फेंट के केस में क्या है, 2 साल 2.5 साल तक के बच्चे इन्फेंट होते हैं, तो उनको आधा चम्मच दिन में 1 से 2 बार दूध या पानी के साथ में देनी होती है मेडिसिन। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों की अगर हम बात करें 2.5-3 साल से ऊपर और 5-6 साल तक के अगर बच्चे हैं, 7-8 साल तक के, तो उनको 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार अगेन दूध या पानी के साथ में आप दे सकते हैं। और अगर हम बात करें एडल्ट के केस में, तो 1 से 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार जिस तरह से आपके डॉक्टर बताते हैं ले सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ OTC प्रोडक्ट की तरह भी इसको ले सकते हैं। दोस्तों, मेडिसिन को जब भी यूज़ करते हैं अच्छी तरह से सेक करें, जिससे क्या है कि इसका जो कंपोजिशन है वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो और पेशेंट को एक सही डोज मिल सके, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइज। इसके साथ ही जब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, कुछ एक सेफ्टी टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मेडिसिन को बच्चों की पहुँच से दूर रखना है, मेडिसिन को सनलाइट से बचाना है, इसके साथ ही दोस्तों मेडिसिन को एक सही टेम्परेचर पर रखना है जिससे ये मेडिसिन ख़राब ना हो। तो गाइज, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और इस स्टिम्युलिव सिरप का यूज़ करना है।
तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में स्टिम्यूलिप सिरप का एक जानकारी वीडियो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही आपके अपने चैनल यूनिक मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सेफ रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।